हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे दोस्तों। और आज देखिए, सुबह सुबह मैं अपने बारी पे आ गई थी तो थोड़ा बहुत जो है घास देख रहे होंगे मेरे पीछे, तो कुछ ज़्यादा ही इसमें घास आ गया था तो मैं आ गई थी। सोची कि अभी बच्चे स्कूल चले गए थे और काम भी मेरा सुबह का ख़त्म हो गया था तो मैं आ गई थी हस्बैंड के साथ में। तो देखिए, जितना भी मकई है या और भी कुछ है सब्जी, तो सारा में ना कीड़ा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। अभी अब मैं आपको दिखाती हूँ इधर, और इधर ना एक दो पौधा जो है वो फूल हो रहा फिर भी पता नहीं कैसे मर गया है, वो तो नहीं मालूम। लेकिन बरसात के वजह से हम लोग थोड़ा ध्यान भी नहीं दे पाए। उधर दो चार दिन ना हमारे तरफ जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब 24 घंटा जो है बारिश ही था। और ये देखिए, अभी हम इधर साफ़ कर देते हैं, ऐसे साफ़ रहेगा ना तो डर नहीं रहेगा कुछ चीज़ का। जैसे कि आपको पता ही है अभी बरसात का सीज़न है तो सांप वगैरह का ज़्यादा डर रहता है। और अभी मौसम साफ़ किया था तो मैं ले आई इनको साथ में कि चलिए हम लोग ये काम कर लेते हैं। और इधर मेरे हस्बैंड पहले से ही साफ़ कर दिए थे, वो पहले आ गए थे, मैं पीछे से आई थी। उसके बाद इधर का देखिए, इधर का कितना घास वगैरह है वो सारा मैं साफ़ कर देती हूँ। तो हम लोग दोनों मिलके साफ़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। और इधर देखिए, भिंडी जो है बीच बीच में फूल आना स्टार्ट हो गया है, तो देखते हैं कब तक हमारा ये बगान से जो है सब्जी निकलना स्टार्ट होगा। और ये देखिए सीम का है, तो अभी हम इसको साइड कर रहे थे और टूट गया था फ्रेंड्स। और अभी मैं घर जा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे स्कूल जाना है, तो मैं बाद में आती हूँ। तो देखिए, ये दूसरे का खेत का है, तो ये पूरा खेत में ना पूरा भिंडी लगाए हुए हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं दूसरा का खेत देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लग रहा था बहुत, दोनों साइड लगा हुआ देख सकते हैं। और अभी घर में आ गई थी और मैं नीचे से पानी भी लेके आई हूँ क्योंकि अभी जल्दी नहा के और स्कूल जाना है, तो आज दो दो स्कूल जाना है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, अभी मैं नहा के उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और देखिए फ्रेंड्स, मैं तैयार होके और अभी राज का स्कूल से आ गई हूँ। तो मैं अंशु और अभी का स्कूल गई थी फीस जमा करने के लिए, उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे आज दीदी के साथ में आयुष और आकांक्षा का भी स्कूल जाना है। तो देखिए हम लोग निकल गए हैं और अभी टाइम जो है वो 10:30 बज रहा था, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और हम लोगों को ना ये आई फ्लू जो चल रहा है वो मतलब हो गया है बहुत लोगों को, लेकिन हम लोग ना पहले से आई ड्रॉप लगा रहे थे तो इसी कारण से ना हम लोगों को थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, पता नहीं क्यों, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तो उसी विषय में हम लोग जो है बात कर रहे थे। अब बारिश की वजह से आप लोग रास्ता देख सकते हैं किस तरह से कीचड़ हो गया है, अभी तो फिर भी ठीक है। और कितना अच्छा हरियाली लग रहा है यहाँ पर, फ़ोटो लेने में अच्छा सीन आएगा, तो हम लोग फ़ोटो भी क्लिक कर लिए थे इधर। और ये देखिए, अभी आधा रास्ता में ही पहुँचे हुए हैं, अभी थोड़ा दूर हैं। तो चलिए मैं स्कूल के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और ये देखिए, अभी इनका स्कूल का ग्राउंड कितना बड़ा है। तो हम लोग ना आधा घंटा, जैसे एक घंटा वेट किए, मतलब दोनों का स्कूल में ही वेट करना पड़ा। तो वहाँ से हम लोग निकल गए हैं फ्रेंड्स और अभी हम लोग चलते हैं आगे घर की ओर। तो देखिए इतना बड़ा पार्किंग है, और यहाँ मैं आप लोगों को गुलाब का फूल दिखा रही थी तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं दूर से कर रही थी क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी थे ना, तो इन्हीं की वजह से मैं नहीं कर पाई वीडियो। तो चलिए अभी हम लोग घर चलते हैं फ्रेंड्स। और अभी 12 या 12:30 बज रहा है, काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों का। और मैं आ गई हूँ घर फ्रेंड्स। तो सब्जी जो है सुबह ख़त्म हो गया था तो मैं यहाँ पे चावल को जो फ्राई कर दी थी, ये देखिए। तो अभी अंशु खाने के लिए जा रहा है, चावल फ्राई कर दी थी उसी को, और अभी मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा सा। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैं कपड़ा फूलने के लिए डाल दी थी सुबह में, तो वो मुझे धुलना है, ये देखिए इतना सारा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। और आज है नेक्स्ट डे फ्रेंड्स, और अभी मैं देखिए जा रही हूँ बगान। तो आप लोग देखे थे कीड़ा लगा हुआ था मकई में और सब्जी, सारा सब्जी में,
तो वही मैं आज दवा डालने के लिए जा रही थी। तो आज है संडे और अंशु लोग घर में है, तो मैं अंशु को साथ में लेके जा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो ड्यूटी चले गए हैं। और कल ना कपड़ा धुलते शाम हो गया था तो मैं कुछ और वीडियो नहीं बना पाई थी, तो आज मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी चलिए बगान चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं कुआं से पानी निकाली थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है कितना डालना है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें। और ये देखिए मौसम अच्छा किया हुआ है, लेकिन क्या हुआ हमारे साथ फ्रेंड्स कि जैसे मैं दवा डाल के ख़त्म की ना वैसे बारिश स्टार्ट हो गया, तो मेरा जो दवा डालना हुआ वो बिल्कुल बेकार चला गया, सारा मेहनत बेकार हो गया, क्या ही बताएं। और जैसे मैं आई ना तो यहाँ पे बगल में जो आप लोग घर देख रहे हैं वो लोग बोल रहे थे कि थोड़ा देख के जाइएगा अंदर के साइड ना सांप गया है, तो इसके कारण भी हम लोग ना बाहर में ही बगान के बाहर में ही रुक गए थे क्योंकि सांप से तो सबको डर लगता है और वो तो खुद बोल रहे थे। तो फिर मैं एक बार ना बाहर चली गई थी, पार्सल वाला आया था तो मैं पार्सल लेने के लिए चली गई थी, तो यहाँ पे ही मतलब रोड के किनारे है तो गाड़ी यहीं पे रुक गया था, जैसे कि वो लोग पहले से बता देते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड बता दिए थे लोकेशन, तो वो लोग यहीं पे आके ये देखिए पार्सल, तो ये पार्सल जैसे मैं लेके आ रही थी ना, तो यहाँ ये जो दिख रहा है ना आपको प्लास्टिक लटका हुआ, तो इसी के दीवार में ना यहाँ पे सांप जो है रेंग रहा था और मैं उधर से अपने धुन में आ रही थी पार्सल लेके। फिर वो लोग बोले कि रुकिएगा थोड़ा दीवार साइड में देख के आइएगा, तो फिर मुझे वो सांप दिखा तो बहुत तो डर लग रहा था, क्या बता बहुत ज़्यादा डर लगने लगा जब मैं अपने आँख से देख रही थी। और वो मतलब ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा वैसा नहीं था, मतलब हरहुरुआ सांप था, फिर भी अपने आँखों से देखना डर लगता है। और मैं डर डर के ही ये किनारे किनारे जो है दवा डाल रही थी। उसके बाद देखिए इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर से मुझे ये दिखा, तो ये फूल जो देख रहे हैं इधर ही घुस गया है। अब हम लोगों को डर लग रहा कि अब हम कैसे जाएं, तो थोड़ा सा हम झाड़ू वगैरह से हिला करके देख लेते हैं है या नहीं है। तो ये ना उधर लगता है ईटा के साइड में चला गया, ये दिख नहीं रहा है, तो अभी हम इधर कर लेते हैं साइड साइड में, अब डर लगना भी चालू हो गया है। और उधर भी बाकी है अभी दवा डालना। और अभी आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स मैं ना बरसात में थोड़ा कम आ रही हूँ बगान, क्योंकि हमको ना बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सांप और कीड़ा वगैरह से। तो यहाँ पत्थर मार के देख रहे थे तो यहाँ पे है नहीं, वो लगता है ईटा में चल गया है सांप, तो चलिए वो उसको जाने दीजिए, वो कहीं भी जाए। अभी हम अपना काम करके हम भी यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं घर। और उधर अंशु को हम कुर्सी में बिठा दिए हैं, उसे बोले नीचे नहीं उतरने के लिए, वो कुर्सी में ही बैठा हुआ है। ये देखिए इसका पुच्छी हल्का सा दिख रहा फ्रेंड्स, लेकिन कैमरा में ना बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है, ज़रा सा भी पता नहीं चल रहा, वो पता नहीं आगे चला गया या पता नहीं अंदर घुस गया है, दिख नहीं रहा है। तो देखिए इस तरह से कीड़ा जो है लग गया मकई में, तो अभी हम इसमें दवा डाल दिए हैं, इधर सब में दवा डाल दिए हैं। और ये देखिए भिंडी का जो फूल है वो भी आ गया है, तो हो सके अभी दो चार दिन में भिंडी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए इधर बीच में भी डाल देते हैं, तो मकई ना इस बार बहुत कम निकला, और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितना बार मकई का बीज जो है वो ला के डाली थी, पर कबूतर ये सब ना रहने नहीं दिया है, सारा खा गया था निकाल निकाल के, तो जितना है बस उतना ही है। अब देखते हैं फिर से अगर लगा पाते हैं तो ठीक है, जैसे पीछे पीछे जो निकलेगा तो देखते हैं लगाएंगे बाद में, ठंडा का मौसम में एक बार लगा देते हैं और क्या। तो चलिए बारिश स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स, और मैं अंशु को भेज दी थी घर पार्सल को जो है घर पहुंचाने के लिए, और मैं उसे कही थी छाता लाने के लिए, तो देखते हैं वो आता है। तो चलिए घर में जाके मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से। और मैं घर आ गई थी फ्रेंड्स, उसके बाद नहा के और सो गई थी थोड़ा देर के लिए, कपड़ा वगैरह फिर धुली, बर्तन वगैरह खाना वाना खा के सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। तभी शाम का 4:30 बज रहा है और अभी को देखिए यहाँ पे सो गया है, अभी इसको होमवर्क भी करवाना है, तो चलिए अभी देखते हैं अगर ये उठता है तभी इसको होमवर्क करवाते हैं। और ये देखिए मेरा पार्सल जो है ये,
तो इसकी काफ़ी ज़रूरत थी हमें, तो हम बहुत दिन पहले ही ऑर्डर करवाए थे और ये आज आया है। और बारिश से ना फ्रेंड्स सर्दी खांसी ये सब होना स्टार्ट हो गया है, तो मेरा खांसी भी हो गया है और गला जो है बहुत जलन हो रहा है गला, जैसे कि खांसी से ना जैसे कि खांसते खांसते गला छिल गया है, तो उससे ना आवाज़ भी जो है थोड़ा सा मोटा निकल रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मैं फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।